गए तो नहीं आएंगे, तो ये जो आंदोलन है अब पूरा नारायणपुर को घेराव कर सकती है। नारायणपुर को घेराव कर जिस तरह भगत सिंह ने पूरे भारत देश को जगाने के लिए जो क्रांति लाई है, वही क्रांति अब बस्तर में जरूरत है और वो क्रांति हम लेके आएंगे। ये हमारा यहाँ कहना है और किसी का न होकर, और ऐसा नहीं चलेगा कि हमारे आदिवासी सालों साल आंदोलन जंगलों में करते हैं, फर्क नहीं पड़ता। शर्म भी नहीं लगती है छत्तीसगढ़ सरकार को, जो कोई समझ में नहीं आता ये रोड किसके लिए बन रहा है। ये रोड की बात करते हम विकास चाहते हैं, लेकिन पैसा खर्च कर ग्राम सभा की बात ये करना चाहिए। अब आज बोल रहे हैं हमारे जनता को रोड, ये रोड इसलिए सरकार ने बना रहे हैं, वो पूंजीवादी ये वो ऐसे पूंजीवादी की दलाली और उनके लिए रोड बना के इसके लिए अगर मेरे हमारे आदिवासी हमारे क्या दिक्कत है, इस बात की बचाने की बात कर रहे हैं, जंगल को बचाने की बात कर रहे हैं, हमारे जल जंगल जमीन और अपनी मानवता का बचाने की बात, क्या ये बचाने की कर रहे हैं, क्या ये सब बात के लिए, ये बड़ी बहुत बड़ी मुद्दा बनेगी, क्योंकि हर जगह नारायणपुर में इतनी आंदोलन खड़ा हो गया, हमारे बीजापुर में आंदोलन खड़ा हुआ, दंतेवाड़ सभी जगह आंदोलन का यही आंदोलन ने तो लेके ये जल जंगल जमीन बचाने का मुद्दा बन जाएगा। राजनीति के जो ये अभी चुनाव है ना, उस चुनाव के लिए बहुत उसमें आ सकता है। रोड बना रहे ठीक मैं मान रही, तो रोड उनके हिसाब से बनाए ना, जो गवर्नमेंट पूछ रहा है, जो चाहते हैं गांव वाले चाहते हैं। अगर एक रोड बना के स्कूल आ रही है अस्पताल आ रही है, ये नहीं ये बोल के हमारे लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करे। अगर